कई बार डैमेज है तो बताना ना, ठीक है। एक बार इसका फाइनल साइज भी चेक कर लेते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो कि मैं बहुत दिन तक वीडियो नहीं डाली है, इसके लिए सॉरी, बट इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, आपको जल्दी पता चलेगा। आज का जो वीडियो का टॉपिक है, कह सकते हो कि थ्रिफ्टेड प्रोडक्ट या सरोजनी मार्केट वाला कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली देखो, जब तक मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर एक्सप्लोर कर रहा हूँ चीज़ों को। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे फैशन इन्फ्लुएंसर्स और कह सकते हो कि इंस्टाग्रामर, यूट्यूबर सब सरोजनी जा रहे हैं, वहाँ से थ्रिफ्टेड प्रोडक्ट या फिर बहुत ही चीप प्राइस के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़ों को खरीद रहे थे। तो अपन तो दिल्ली से है नहीं, मैं वाराणसी से हूँ, तो मुझे भी ऐसे प्लेस को एक्सप्लोर करना था, तो उसके लिए उतना दूर जाने से अच्छा था मैं सोचा अपने ही सिटी के अंदर एक्सप्लोर किया जाए। जनरली ऐसा होता है कि हर बार विंटर और समर के अंदर कुछ वेंडर्स आते हैं और आपकी ही सिटी के अंदर कहीं एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पर वो इन सारी चीज़ों को सेल करते हैं। तो मैं भी अपनी सिटी के अंदर एक्सप्लोर किया तो मुझे भी एक जगह का पता चला, तो वो जगह है कचहरी के पास जो जालांस है, उसी के बगल में ये सारे वेंडर्स लगाते हैं। आप वैसे वीडियो साथ में चल रही होगी, आप देख सकते हो। तो पहले बताता हूँ कि ये कैसे प्रोडक्ट को बेचते हैं। इसके अंदर मैंने देखा कुछ प्रोडक्ट्स नए थे और काफ़ी ज़्यादा सब थ्रिफ्टेड थे। ये सारे प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से इम्पोर्ट होते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर भी मिलते हैं, अगर कि आप सही से उन्हें ले पाओ तो प्राइस जो होती है वो काफ़ी रिजनेबल होती है, बट आपकी बार्गेनिंग स्किल कितनी अच्छी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर मैं आपको आइडिया देना चाहूँ तो इसका उसने 800 रुपये मांगा था और मैंने पूरे 400 रुपये में इसको लिए हैं, 50% ऑफ। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बार्गेनिंग स्किल कैसी है। तो मैंने ये वाला जो आइटम था, ये वार्सिटी जैकेट, बिल्कुल ओरिजिनल है, लेदर मटेरियल में इसका स्लीव्स है और ये भी काफ़ी सही है। पीछे देख सकते हो आप, इसके ऊपर टेक्सचरिंग की गई है और कलर भी मुझे काफ़ी सही लगा। हाँ, इस वाले वार्सिटी के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसके ऊपर कुछ जगह पर स्टेन थे, बट हमें पता है कि कैसे स्टेन को हटाते हैं। तो मैंने उसे साफ किया और इसे अच्छे से धुलने के बाद ये कुछ ऐसा है। तो प्राइस काफ़ी सही पड़ा और वो और ये दोनों साथ में ही ली गई थी। ये भी मुझे 400 रुपीज की पड़ी है, आप देख सकते हो। ये भी बिल्कुल ओरिजिनल लेदर में है और कहीं पर भी कोई कटा पिटा नहीं है। तो जब भी आप थ्रिफ्टेड प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपको वहीं पर तुरंत उसे चेक करना चाहिए कि कहीं इसके अंदर कटा पिटा तो नहीं है या कोई ऐसा स्टेन या दाग नहीं है ना जो निकालने से ना निकले। पीछे इसके अंदर आप देख सकते हो काफी कूल टेक्सचरिंग की गई है और ये फिट भी जो है ये थोड़ी बॉक्सी फिट में है, तो स्ट्रीट स्टाइल के लिए ये और वो दोनों के दोनों बहुत ही किलर हैं। एंड थर्ड आइटम, ये एक पफर जैकेट है जो कि मुझे पड़ी थी 450 रुपीज की। ये मैं किसी और दिन गया था उसी प्लेस पर, तब लिया था। और ये जो है एल साइज के अंदर है। ये भी प्रोडक्ट जो है काफी अच्छा है। क्वालिटी मैं सभी की बता रहा हूँ, अगर कि आप खुद से लेते हो तो आपको पता चलता है कि वो कौन सी ब्रांड की है और वो कैसी है जब आप फिजिकली उस जगह पर प्रेजेंट रहते हो। तो ये मेरे परचेज का सबसे कह सकते हो बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि अक्सर हम लोग कहीं ना कहीं ट्रेवल करते हैं या बाइक से शाम को घूमते हैं, तो कुछ ऐसे कपड़े चाहिए होते हैं जिससे एयर भी पास ना हो और ठंड का समय है तो ठंड ना लगे। अभी जब मैं ऑडिशन के लिए गया था तो आप में से काफी लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि ये जैकेट कहाँ से ली, कितने के लिए। तो भाई, ये थ्रिफ्टेड प्रोडक्ट था। अगर कि आप लोग इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो कर लो, आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलते रहेंगे। हो सकता है कि आप लोग को सेम प्रोडक्ट्स ना मिले अगर कि आप जा रहे हो तो, बट अगर कहीं आपको पता है फैशन के बारे में, आपको कपड़े के बारे में अच्छी सी नॉलेज होगी तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे आइटम्स देखने को मिलेंगे। और अगर कहीं आपकी बार्गेनिंग स्किल भी अच्छी रही तो डेफिनेटली आप काफी रिजनेबल प्राइस में काफी अच्छे प्रोडक्ट्स ले सकते हो। तो अगर कि आप लोग वाराणसी से ही हो तो एक बार उस प्लेस को जरूर एक्सप्लोर करो। हो सकता है कि आपकी ये जो विंटर है काफी सस्ते में और काफी स्टाइलिश तरीके से निकल सकती है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।